हेलो भाई, मैं अरुण पवार। पेट देख रहे हो भाई का? पेट देख रहे हो, इसलिए दिखा रहा हूँ बढ़ चढ़ के, क्योंकि भाई आज से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये नहीं पता कितने दिन चलेगी भाई, कितने दिन नहीं चलेगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सुबह सुबह 6 बजे उठ के अपने मंदिर देखो, ये गांव में इतना अच्छा विकास जो हुआ है, ये मंदिर के अराउंड इतनी अच्छी वाइब्स है, इधर मंदिर भी है, पानी भी है, धरती भी है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। अब स्टार्ट कर देते हैं, आप अपने शरीर को थोड़ा कम करते हैं, पेट वेट को, तो लेट्स स्टार्ट भाइयों। देखते हैं कितने दिन करूँगा, बट आप लोगों का साथ रहा तो बहुत ज़्यादा दिन करूँगा। मैंने पिछले साल कम कर लिया था भाई, जिम विम जाके। अगर मुझे पता है मैं रेगुलरली 40 दिन कर लूंगा ना, तो मैं बहुत सही हो जाता हूँ। थोड़ा मेरे को ना डाइट पे कंट्रोल नहीं हो पाता, मैं थोड़ा खा जाता लेता हूँ रोज, तो जोमेटो से मंगवा लेता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में इंडरी में ना A to Z रेस्टोरेंट डिलीवर करने लग गए सारे जितने भी हैं सोना में, कोई 10-15। तो पहले बढ़िया था जब नहीं करते थे, तो मैं कंट्रोल रहता था कि कोई करता ही नहीं। अब क्या है, अब मुझे चुल रहती है, मैं ऑर्डर करके कुछ ना कुछ रोज मंगवा लेता हूँ। तो पहले मुझे डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा भाई। रनिंग इसमें 20% 10% रहती है, एक्सरसाइज मेन डाइट रहती है। तो अब से ग्रीन टी वगैरह पीऊंगा, पर भाई मॉर्निंग में देखो अभी तक मैं 2 किलोमीटर ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप देख पा रहे होंगे। 22 मिनट, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं इसको कम कर पाऊँ, और लोगों को जो ताने मिलते हैं अब सहना ना पड़े, बल्कि अब उनको डट के खड़ा होना पड़े, खड़ा हूँ जिससे वो कह ही ना पाए मतलब लड़का फ्लैट है। चलो भाइयों, भागता हूँ। थैंक यू, आप सब भी दौड़ा करें सुबह उठ के, अच्छा लगता है। अब वो पता चलेगा कितने ज़्यादा अच्छा लगता है। कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, भाइयों मेरे 5 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। मंदिर पे भी हो आया भाई, मजा आता है। मैं कह रहा था कि कितने दिन हो पाएगा, अब ये रोज होगा। आई बेट यू जिस दिन ना हो तो आप कमेंट्स भर देना कि यू आर आलसी गाय और सेल्फिश गाय, ठीक है, ऐसे ऐसे। अभी देखो भाई 5.22 किलोमीटर्स हो गए, अभी घर हो रहा है 2500-2500 लगा लो, मतलब 5.5-6 किलोमीटर बोने 6 मतलब हो जाएंगे भाई। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, देख रहे हो, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट ऑन इट रेगुलरली टू गेट द स्टोमक फ्लैट। आज का मेरा पूरा वर्कआउट है 5.67 किलोमीटर्स। तो भाई अब मैं घर आ गया हूँ, अब ग्रीन टी वगैरह पीता हूँ। मैं आपको डाइट भी बताऊँगा इस बार, एक बंदे को देखो तो कैसी पब्लिक रहती है, कैसे सोते हैं यार, इनको नींद कैसे आ जाती है 7:30-7 बजे तक। तो भाई अब मैं पीऊँगा 1 कप ग्रीन टी, उसके बाद मैं फिर मौसमी पीऊँगा। तो मेन क्या रहता है ना आपका डाइट का रहता है, मैं जैसे मैंने आपको बताया आके पढ़ जाओ और के रेस्ट तो चाहिए बॉडी को, ऐसा थोड़ी है बेचारी को इतना कष्ट, तो धीरे 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 ही तो होता है भाई सब कुछ। अभी मैं रोड पे से आ रहा था, मुझे एक लड़का मिला बहुत अच्छा भाई, मेरे से कह रहा भाई यार आप असलियत में तो इतने हट्टे कट्टे हो, वीडियो में तो नहीं लगते मुझे। मैंने सोचा अभी इसको मैं तारीफ समझूँ, बेइज्जती समझूँ, अब मैं जहाँ पतला होने की ट्राई करता हूँ वहाँ लोग मेरे इतने तंदुरुस्ती का ऐसे वो देते हैं कि भाई आप बहुत अच्छे लगते हो ऐसे ही मोटे हट्टे कट्टे से। बट खैर छोड़ो भाई, अभी मैं और भाई बच्चों को ऐसे बाइक पर बिठाना नहीं चाहिए, पर जब बात हो खेत की आ रखी तो फिर बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो यहाँ भाई हम आ रखे हैं आकाश पवार एक्स, ये पूरा ये प्याल होती है भाई धान जो हम लोग बोते हैं, इसको तो हम अलग कर लेते हैं जो इसमें ऊपर रहता है ये दाना, और जो बाकी नीचे का सौदा रहता है ना, बहुत लोग क्या है दिल्ली NCR में आप देखते होंगे बहुत ज्यादा पोल्यूशन रहता है गुड़गांव वगैरह में इस टाइम पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो भाई वो फॉग वगैरह नहीं होता, लोग अक्सर क्या करते हैं ना इसको जला देते हैं, जो ये रहता है वेस्ट रहता है ये लोगों की नजर में, पर हम लोग तो क्या है भाई इस भैंसों के लिए चारा निकलवा लेते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे ये इन सबको लेके कहाँ जा रहे हैं, तो जो कटर मशीन है ना ये
इससे ये कटिंग होती है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स में बन जाते हैं। मैं तो राइडर प्रोवाइडर हूँ तो मैं तो इसको अपनी बाइक को यहीं खेत में ही ले आया, बाकी ये तो कहते वहीं रोक ले वहीं रोक ले, बट मैं यार पैरों में दर्द होने लग गया लिटिल लिटिल सा, तभी गिर ना जाए ये स्टैंड बैठेगा यार, यहाँ यही दिक्कत होती है। और आकाश मेरे से गुज जाएगा बुरी तरह, उसकी मोटरसाइकिल हो रही है भाई। जैक से सारा माल खिला दिया है हमने, देखो जीव जीव का बैरी है यहाँ, इतने मुंह से डोल रहे हैं, इतने मुंह को ले गए ये कौए, और ये इसके फ्राक में डोल रहा है, ये देख ले जाएंगे यार हम, कब तक बचा लेंगे इसको, फूड चेन है बिल्कुल भाई, जो कहते हो खा रो आजा का दो खा रो भाई, ये देखो जिंदे ही है सटक रो और जिंदो है दो मुंह अभी। ये भाई ये इसके नीचे छुप जाते हैं, इनके चक्कर में सांप आते हैं, फिर ये भी आ जाते हैं इसके नीचे, अब हट गए तो एक्सपोज हो गए। अरे कितने तेज होते हैं, इनको दिख कैसे जाता है, सिग्नल मिल कैसे जाता है कि यहाँ पे हैं ये, देख वो छुपको आकाश, अब इसकी हार्ट बीट ऐसे चल रही पप 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 पप, यहाँ लग रही होगी मैं छुप गो, अब ये ढूंढ लेंगे बहुत सातिर जीव है ये, देख ये बहुत सातिर है, अब तू देखिए अब तू थोड़ी देर बाद आएगा ना फरार पाएगा ये, फील वेरी सैड फॉर देम यार, इनकी क्या ही जिंदगी है, इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करोगे तो इंसान का आपको जन्म मिल जाएगा, गंदे कर्म करोगे गंदे आचरण तो ये 84,000 अच्छे कलम करे थे तो आज देख इंसान बन गया, कह दे मैं एक अच्छा इंसान हूँ, चूचू पोती कलता हूँ, इतने अच्छे घर में पैदा हुआ, देखो कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, कुछ पूजा पाठ करी होगी, कुछ मंदिर में इसने भजन किए होंगे, नहीं तो भाई नहीं तो बेचारा दे छुपता डोलता यार इनसे, और कभी ऐसे एक सेकंड में जिंदगी खत्म, अभी ट्रॉली जो भरी थी वो खला दी गई है, नहीं छुपाता बता दे तू, आज बता तू छुपा का के नहीं छुपाता बता दे तू, इतना क्यों टॉर्चर कर, बता दे मैं तो भाभी से कह दी भाभी चीला बना देना मेरे लिए, चीला खाऊंगा आके, चीला बेसन का देसी घी में टमाटर प्याज डाल के क्या मजा आता है भाई, अब मेरी हेल्दी डाइट स्टार्ट, बहुत हो गए डोमिनोज के पिज्जा और ये बर्गर किंग और फर्गर, बिल्कुल जोमेटो पास्ता, दो चार दिन के चौंस लेना है, दो चार महीना कह सकता है तू, और इस बार तेरे जैसों के ही मुंह पे मुझे तमाचा मारना है दोस्त। चलो भाई अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कटिंग का प्रोसीजर, 36 मिल रहे हैं पूरे गुण तेरे फोड़ 36 वाले रे धन धर मेरे पैर। तो भाई इतनी बड़ी बैटरी रखी है इसके अंदर, वाओ कितना मस्त नाइस स्ट्रक्चर है भाई पूरा, मंदिर टाइम का कटिंग मशीन, और ये चलेगी यहाँ से धूल उड़ाती हुई, नहीं यहाँ से इनपुट जाएगा, ये इसकी प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, क्या प्रोसेस होता है पूरा ये बेल्ट और यहाँ से निकलता है, यहाँ देखना पूरा ये जमा हो जाएगा, ये कट पिट के पूरा पूरा यहाँ पे जमा हो जाएगा, ये चल गया भाई पूरा निकल चुका है इतना सारा, ये सेकंड राउंड, ये एनर्जी ड्रिंक चल रही है, जय राम जी की एनर्जी चल रही है, एनर्जी बीड़ी इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, क्या चीज बनाई है किसी ने यार, 20 रुपए का बंडल आता है, एक बंडल में कितनी बीड़ी आम है, 20 आम है, एक रुपए की एक बीड़ी, हाँ स्वर्ग मिल जाता है, 10 रुपया का बंडल 9 रुपया का बिंडल 1 रुपए माचिस 10 रुपया का कॉम्बिनेशन आवे पूरा, अब थोड़ा लिटिल लिटिल अब कितना 20 रुपया को, हाँ वाओ आकाश की बहन देखो, अब भाई थोड़ा और रह गया है ये फूसा, जब तक ये आए यार यू आईफोन फोकस दे, यू कैसे हो गया यार यू, क्या को पता है खराब है कौन स्क्रीन का, या है अब या पूरा इकट्ठा करेगा फिर और दूसरा माल निकल जाएगा, ओके लाइक करें यार, कहां से आए रोने में, या भूख लग रही है अब यार और कुछ ना यार, मैं तो पानी ने कर रोले आ जा, या पता हो ना मैं लाया हूं यार भाई, ये सबसे ज्यादा लाड़ ना मेरे मुझ पे करता है, पता नहीं ऐसा क्या है मुझ में, सभी मुझ पे इतना लाड़ करते हैं यार, कुछ है ना मेरे अंदर,
कुछ तो है भाइयों, आप भी मुझ पे लाड़ करते हो? नहीं, लाड़ मतलब प्यार। यार मेरा बहुत मन था भी और काम करवाने का, पर ये रैंक इतना रहा है, मैं क्या करूं रोज। यार आ गए थे बेटा तो लिया हो ना, मैं हर बार कहूं कि आगे से नहीं लाऊंगा, फिर इस पे लाड़ सा आ जाता है कि जल तो ले चलूं। और तो कहा यार सब बालक अपने बहुत बढ़िया लगे हैं, क्यों भाई है नहीं, चाहे कितने बुरो हो और सब अपने बढ़िया लगे हैं। देखो हमने यू चील इनते कौवान से बचाई और मुष्टि, पर भाई अब कुत्ता ने आँख खा ली। अब कुत्ता भी देखो ये सूंघ के आ जाए, कहाँ कहाँ थे ऐसा गांव तो बाहर इतना खेत अभी उखा गए मुष्टि है भाई, ढूंढ ढूंढ के देखो सूंघ सूंघ कर, इतने कौआ भी आ गए। या तो घनी माल है हाँ जो हमको नहीं दिखा। लाला रो रो है, अरे रो रहा है ये नहीं रुक रहा, लेके जाना पड़ेगा इसको, भूख लग रही है। देखो भाई जंगली कुत्ते हो लिए ये, ढूंढ ढूंढ के देखो देखो कहते बिलन में घुस घुस के एक दूसरे देखो। और एक तो कुतिया ब्या रखी थी इसके नीचे, वहां पे पाया हमको। देख कैसे रो रहा है, कैसे रो रहा है। चाचू पे फोन, चाचू पे फोन, चाचू सेल्फी ले ले चाचू पे। हाय कर, हाय हाय करो, हाय पढ़ रहा है हाय। हेलो चाचू दिनेश, हाय करो, आज की गुड मॉर्निंग कहां पर हुई। ओए हाय करो, हाय दिनेश, हाय करो। किसने तो पकड़ लिया, कोई भिचंड मत करना भाई। ये देखो वो एनिमल प्लेनेट वाले भी तो देखो जिंदा है ये मूसा। इस फुटेज को एनिमल वालों को भेज दूँ क्या, डिस्कवरी फिस्कवरी को? और यार मिल गो, देखो कितने जोर लगा रहा है खोदने में। कुत्ती आए तो सॉरी बिच, और सॉरी बिच नहीं, फीमेल डॉग। चल चल तू बाबर और पकड़ लियो, अब ढूंढने लग रहे हैं कौआ। आन के पैदा छीन लियो भाई, एक कौआ खा रहा हो जो मैंने आप स्टार्टिंग में दिखाया, वहाँ पे तो भी लूट कर खागी खागी मम्मी। देखो आप कह रही कुत्ता ना खाई करें, देखो अब वो अपने गंड से पहना रहा है। हटा रहा हूँ तो भाई अब हम ये न्यार भल्ला है, हम पूरा जो कटा था हम तो आ गए थे यार। और जगह होनी चाहिए यार, ये गाड़ी घोड़ा निकालने पड़ते हैं हमको, इंडेवर किया फिया सब, तब जाके इसमें, क्योंकि ट्रॉली के साथ नहीं घूमता ट्रैक्टर, तो अब दोनों गाड़ियों को बाहर निकालना पड़ रहा है। और ये इतना भाई 9 महीने के बच्चे में इतना दिमाग होता है, मैं जब चाबी लेके बाहर निकलता हूँ रोने लग जाता है। इसको पता है कि गाड़ी में जाएंगे चाचू, अब मेरे को नहीं, मेरे को भी घूमने जाना है। कैसे बालक है यार आजकल के। अब ये जो भाई चारा लेके आए ये भैंसों के लिए है, बताओ भैंसों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना यार, उससे तो मोल पी ले दूध, पर वो ये इतना दूध जितना हम पीते हैं मोल मतलब बहुत पानी वानी मतलब, अरे वो अपनी फिलोसफी है घर वालों की, अब इनसे वेट करके देख लो। अब ये अलग कहते हैं तो कितनी मेहनत है इसमें, पर वो ये 2-3 घंटे की मेहनत दिखती है ऐसे हम जैसों को कितनी है, पर इनको इसी में मज़ा आता है। वो क्या बोले, सबके अपने अपने विचार है भाई। तो भैंसों के लिए अडियो परे कर तू, ये देखो ज्वार वार भी लाओ, कभी कुछ लाओ कभी कुछ लाओ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तेल फूको, जो लोग नहीं रखते वो बेस्ट है, अपना 2-3 लीटर अपना मॉल ले लो, 150-200 रुपये का हाइब्रिड मोज लो भाई। दोनों गाड़ियों की चाबी लेके रखता है ये नहीं देता भाई किसी को कभी। सुखा ले, ईट आएंगी, ईट ईट आएंगी, भट्टा पे आपको दिक्कत ना, या खिलाता ही धरवाना बस। ओके डन भाई, अब मैं डाइट पे इतना स्ट्रिक्ट हो गया हूँ कि मैंने ये मंगवाया है नया माइक्रोवेव ओवन, इसमें अपने अपने लिए अच्छी अच्छी डिश खाया करूंगा। पैन लो इसे काट के रो, अरे मेरी डेडिकेशन देख रहे हो आप, ब्रांड न्यू हमारा माइक्रोवेव ओवन। अब मैं पिज्जा की जगह कुछ और गरम किया करूंगा, भारी बहुत है यार ये तो। और भाई मैंने IFB कंपनी का मंगवाया है, IFB बेस्ट है माइक्रोवेव वगैरह के मामले में ना। कहाँ आया का मोड़ो ये यार, वाओ तो काफी बिग है यार, इसमें तो काफी कुछ सामान गरम हो जाएगा। एक पिज्जा की, ये क्या है, लेड है। चलो भाइयों ठीक है ओके, अब इसमें मैं कुछ गरम करके खाऊंगा, हमारे घर पे बहुत ठंडा खाना बनता है इडली में गरम करके अपने ओवन में, पनीर वगैरह या व्हाटएवर। तो भाई चलो मैं आपको दिखाता हूँ भाई कैसे माइक्रोवेव, हमारी जिंदगी का हमारे घर वालों का फर्स्ट टाइम है ये, तो मुझे ये नहीं पता था इसके अंदर घूमता वूमता रख तो भी नहीं पता यू का ही नहीं आया, यही तो पूछ रही है इसमें पढ़ो यूजर मैनुअल किस लिए आती है। अभी तो मैंने टेम्परेरी यहाँ पे रखा है भाई ये, क्योंकि ये हैवी स्विच यहाँ पे है, दिस इज ओनली टेम्परेरी। तो अभी एक मिनट बुक बुक में पढ़ लेते हैं इसमें कहाँ कैसे बनता है, आपको बता देता हूँ मैं जनरल। पहले ही रिंग जाएगी ये पढ़, देखो ये रहा पूरा सिस्टम, पहले रिंग लगा फिर ये ढक्कन से लगा, भाई ऐसी डट जाएगी।
बस हाँ भाई, ये थोड़ी सी चाप आई लाया था कासा जिसको प्रकाश होटल से, तो इसको गर्म करता हूँ फिर खाऊंगा यार, रोटी खाऊंगा, दो रोटी खाऊंगा बस ओनली। बंद कर दो, चलाओ आओ। देख रहे भाई ये ऐसे चलता है, ये टाइमर वाइमर लगा दो कितने मिनट गर्म करना है, और ये भीतर ऐसे घूमता रहता है इसके अंदर कि भाई गर्म हो रहा है अपना सिस्टम, सब्जी वब्जी कुछ भी अपना गर्म कर लो आप। बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया मशीन है, लाइक करें। चलो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टाटा।